than 2,200 hectares of forest land has been destroyed in a devastating fire blazing across the Indian Air Force has been 2008 से 2018 तक हिमाचल प्रदेश में लगभग 9,500 फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें कि 1,00,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड जला है और 13 से 15 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। हिमाचल में हर साल हर सीज़न में फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, जिसके कारण ये हमारे एनवायरनमेंट और लोगों के लिए एक बर्निंग इशू बनता जा रहा है। पर एक्चुअली फॉरेस्ट फायर के सिर्फ दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, पहला कि फॉरेस्ट फायर फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल होती है और दूसरा कि फॉरेस्ट फायर फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल होती है। लेकिन इन दोनों आर्गुमेंट से पहले सवाल ये है कि हिमाचल में फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर के क्या रीजंस हैं और इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है, इसमें से 66% एरिया फॉरेस्ट एरिया है। पर अगर हम एक्चुअल फॉरेस्ट कवर की बात करें तो वो है लगभग हिमाचल प्रदेश का 28%, क्योंकि ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया कोल्ड डेजर्ट, ग्रासलैंड और ग्लेशियर्स के अंडर आता है, जो कि एक्चुअल फॉरेस्ट कवर से लगभग 60% ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश की यूनिक टोपोग्राफी हिमाचल को तीन भागों में डिवाइड करती है, अपर हिमाचल, मिडल हिमाचल और लोअर हिमाचल। और इसी टोपोग्राफी और इकोलॉजी के बेसिस पर हमारे फॉरेस्ट को भी 9 भागों में डिवाइड किया जाता है। इनमें सबसे कॉमन फॉरेस्ट टाइप है हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। और जो सबसे कॉमन ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं वो है बैम्बू, चिरपाइन, ओक, देवदार, काइल, फिर और स्प्रूस। फर्दर फॉरेस्ट को उनकी डेंसिटी के बेसिस पर भी डिवाइड किया जाता है, जैसे वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट और ट्री कवर फॉरेस्ट। इनमें सबसे ज़्यादा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कवर है, जो कि हिमाचल प्रदेश का 11% एरिया कवर करता है। अब इन दोनों मैप्स को देखिए, इसमें पहला मैप हिमाचल में फॉरेस्ट टाइप का है और दूसरा मैप है फॉरेस्ट फायर रिस्क जोन मैप। अगर आप इन मैप्स को ध्यान से देखेंगे तो जो भी हाई रिस्क फायर जोन्स हैं हिमाचल प्रदेश में वो ऑलमोस्ट मिक्स्ड कॉनिफरस फॉरेस्ट के अंडर आते हैं, जिनमें चीड़, काइल, स्प्रूस और देवदार जैसे पेड़ होते हैं। और इन्हीं पेड़ों के नीडल्स सबसे ज़्यादा फ्लेमेबल होते हैं फॉरेस्ट सरफेस पे। बाकी फ्लेमेबल फ्यूल फॉरेस्ट सरफेस पे होते हैं, जैसे सूखे पत्ते, झाड़ियाँ और सूखी घास। अगर हम फॉरेस्ट फायर के कॉजेज की बात करें तो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार ऑलमोस्ट सभी फॉरेस्ट फायर लोगों द्वारा लगाई जाती हैं। इनमें से कुछ अनइंटेंशनल होती है, जैसे बीड़ी, सिगरेट और कैंप फायर से ये शुरू हो सकती है, और कुछ इंटेंशनल होती है, जो कि ज़्यादातर लोगों द्वारा घास और ग्रेजिंग फील्ड क्रिएट करने के लिए लगाई जाती है। पर इंटेंशनल फॉरेस्ट फायर का भी डीप रूटेड कॉज है और वो है अर्बनाइजेशन। पुराने ज़माने में पेड़ों के पत्तों और पाइन नीडल्स को कलेक्ट किया जाता था। पेड़ों के पत्ते पालतू जानवरों के लिए चारा होता था और पाइन नीडल्स सर्दियों के समय जानवरों के बेड बनाने में यूज़ किया जाता था, जो कि उन्हें ठंड से बचाता था। अब जैसे जैसे गांवों का शहरीकरण हो रहा है, कुछ ही लोग भेड़, बकरियां और गायों को पालते हैं और कोई भी पेड़ों के पत्तों और पाइन नीडल्स को कलेक्ट नहीं करते हैं, तो लोग ग्रेजिंग ग्राउंड्स और घास के लिए ज़्यादातर जंगलों में आग लगाते हैं। और इसके साथ साथ इल्लीगल फैलिंग को छुपाने के लिए भी वन माफिया जंगलों में आग लगाते हैं। अब बात करते हैं मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट्स के बारे में, जिसमें मैंने कहा था कि फॉरेस्ट फायर फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल होती है और दूसरी की ये हार्मफुल होती है। ये दोनों ही स्टेटमेंट साइंटिफिकली करेक्ट है। इस फोटो को देखिए, ये मैंने कुल्लू में 16 जनवरी को ली थी, क्योंकि 15 जनवरी की रात को इस फोटो में दिख रहे पहाड़ में आग लगी थी और आप क्लियरली देख सकते हैं कि आग लगने से एयर क्वालिटी कितनी कॉम्प्रोमाइज हुई है। इसके साथ साथ फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर से फॉरेस्ट वेजिटेशन भी जलकर ख़त्म हो जाती है, जिससे कि जंगलों की रीजनरेशन पावर कम हो जाती है और वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेशन को भी बहुत नुकसान होता है। तो फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर का यही नतीजा निकलता है कि ये हमारे जंगलों के लिए नुकसानदायक है। इसका दूसरा पहलू ये कहता है कि फॉरेस्ट फायर हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे लैंडस्केप, इंटेंसिटी ऑफ फायर, ह्यूमिडिटी, सॉइल मॉइस्चर, फॉरेस्ट टाइप, रीजनरेशन रेट, कैनोपी स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक जोन्स। जनरली ये कहा जाता है कि अगर नेचुरल कॉज से आग लगती है, जो कि 20-25 सालों में एक दो बार होती है, वो बेनिफिशियल होती है फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए,
यूजुअली ये कैनोपी रेन फॉरेस्ट के लिए बेनिफिशियल होती है, जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ों की वजह से बाकी स्पीशीज ग्रो नहीं कर पाती है, क्योंकि उन तक सनलाइट नहीं पहुँचती है। तो आग एक स्वीपर की तरह काम करती है और बर्न्ड फॉरेस्ट एक बैलेंस्ड वे में फिर से ग्रो करता है। फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर किसी भी फॉरेस्ट के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है, यह सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल होती है। और फॉरेस्ट फायर को रोकने का एक ही कॉस्ट एफिशिएंट तरीका है, और वो है जंगलों में परमानेंट और सीजनल फायर लाइन बनाना, ताकि जब आग लगे तो उसे कम से कम एरिया के अंदर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इतने सालों में हर सीजन में फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सरकार दोनों ही इसे सॉल्व करने में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। मानव जीवन का पहला आविष्कार दो पत्थरों को रगड़कर आग उत्पन्न करना था। आज भले ही इसके स्वरूपों में परिवर्तन हुआ हो, लेकिन पेट की आग को शांत करने के लिए कुछ लोग हमारे पर्यावरण को आज भी कई तरीकों से जलाते हैं।